कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग देगा बहरा भयो खुदाए। तो बोले बहुत सारे लोग शक्ति पाकर सेवा क्यों नहीं करते। इस दुनिया में सभी धर्म बराबर हैं। अगर उच्च शिक्षा लेने के बाद भी किसी को यह समझ में नहीं आया, उसको अपनी सारी डिग्रियों को जला देना चाहिए। मैं तो खुली चुनौती देता हूं हर मंच पर हर व्यक्ति को, कोई मुझे आकर यह साबित कर दे। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने सारे लोग ताकत में आकर सेवा करना क्यों भूल जाते हैं। कई लोगों ने सवाल को पूछा कि आप कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है सेवा करना। मैंने कहा हां। तो बोले बहुत सारे लोग शक्ति पाकर सेवा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो शक्ति दो तरह की है। पावर इज ऑफ टू टाइप्स, एक पदेन पोस्ट स्टेटस, यह शक्ति नहीं है सर, यह सुविधा है। यह शक्ति नहीं है सर, पद कोई शक्ति थोड़ी है सर, पद एक सुविधा है। अब उस सुविधा का आप दुरुपयोग करें, आप डीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, यह शक्ति नहीं है सर, यह पद है। पद आप डॉक्टर हैं, यह एक सुविधा है। उस सुविधा को अगर आप सदुपयोग करें तो भी सेवा हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग पद से पोस्ट से तो सुविधा है लेकिन कॉन्शियस नहीं है सर, वो खुद ही भूखे, वो खुद ही नंगे, वो खुद ही परेशान है, उनके खुद की तमन्नाएं पूरी नहीं हुई, तो वो क्या सेवा करेंगे सर। और सारे धर्म दुनिया के बड़ा सारा इल्जाम लगता रहता है मेरे ऊपर, मैं तो खुली चुनौती देता हूं हर मंच पर हर व्यक्ति को कि कोई मुझे आकर यह साबित कर दे कि यह धर्म बहुत महान है और यह धर्म छोटा है और इस धर्म से जाओगे तो ही। खुली चुनौती है सर, उसका धर्म स्वीकार कर लेंगे सर। इस दुनिया में सभी धर्म बराबर हैं। खुली चुनौती है सर, पूरी दुनिया के जितने धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, बस वो साबित कर दें कि ये धर्म ठीक नहीं है। सब धर्म बराबर है सर, सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, जमीन से आसमान, अर्थ टू स्काई। ये अर्थ क्या है? सेंसेस, इंद्रिया। स्काई क्या है? कॉन्शियस। सारे धर्म सर, सारे धर्म का कोर फॉर्मूला यही है। सब मैंने तो बड़ा रिसर्च किया इन मुद्दों पे, बड़ा खोजबीन की, बड़ा अध्ययन किया, और जब स्वामी परमहंस को पढ़ा तब तो एकदम डाउट पूरा क्लियर हो गया। एक शिक्षित आदमी किसी भी धर्म से नफरत करे संभव ही नहीं है सर, संभव ही नहीं है। एक शिक्षित आदमी, शिक्षित, किसी धर्म से नफरत करे कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, ईसाइयत अच्छा धर्म नहीं, तब तुम पढ़े लिखे ही नहीं, तब तुम खत्म हो गए। अगर उच्च शिक्षा लेने के बाद भी किसी को यह समझ में नहीं आया कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, धर्म का रोल क्या है, सर उसकी शिक्षा खत्म, उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है सर, बेकार है सर, उसको अपनी सारी डिग्रियों को जला देना चाहिए। धर्मों में कोई मतभेद नहीं है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इनमें कोई मतभेद नहीं है सर, मतभेद है मानने वालों में, क्योंकि इनको दिशा कौन देता है? पुरोहित। और 98% पुरोहितों को कुछ भी नहीं पता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी हिंदू पुरोहित का नाम लूंगा, ना मैं किसी मुसलमान पुरोहित को नाम लूंगा, लेकिन कभी कभी जब मैं इन पुरोहितों को सुनता हूं तो मुझे बड़ी, और ऐसे ऐसे पुरोहित हैं, मुसलमान पुरोहित, हिंदू पुरोहित, जिनको लाखों लोग सुनते हैं सर,
और वो इतनी उल्टी सीधी बातें उनको बताते हैं, इतनी उल्टी सीधी भरमाते हैं उनको। ये पुरोहित, संत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, संत एक दूसरी धारा है सर, मैं पुरोहितों की बात कर रहा हूं, वो किसी भी धर्म के हैं। 98% ये तोते हैं, रटे हुए लोग हैं। संत तो कबीर जैसा होगा, पढ़ा भले ना हो लेकिन समझदारी बहुत बड़ी होगी। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाए, किसी ने कुछ नहीं कहा उन्हें। सन्यासी तो बहुत बड़ी चीज है इस देश की सर, कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी गेरुआ पहनेगा, जींस भी पहन सकता है सर, टी शर्ट भी पहन सकता है, रेबैन का चश्मा भी लगा सकता है। ये तो हमारे देश के जो भगोड़े थे उन्होंने गेरुआ बना लिया, गेरुआ पहनने से उनको थोड़ा सम्मान मिल गया कि बाबा जी जा रहे हैं, किसी ने चाय पिला दिया, किसी ने खाना खिला दिया। सन्यासी बहुत बड़ी चीज है सर, अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आपके घर में कोई ध्यान कर रहा है सर, उसे डांटिए मत, मारिए मत सर, उसे डिमोरलाइज मत करिए,